Hi guys, I'm Ankur Vinsurkar. My journey actually, I belongs from very small town. मतलब मैं बहुत छोटे छोटे जगह पर रहा हूँ MP में. Basically, I'm from MP, but MP में मैं हर कहीं से हूँ. So, मेरी सारी schooling बहुत छोटी छोटी जगह से हुई है. पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, इन साइड से मेरी स्कूलिंग हुई है. सो आफ्टर 12th मुझे इस फील्ड में आना था, बट देर इज़ नो चांसेस और एनीथिंग. फिर कहीं से पता चला कि एक एमपी में ये कॉलेज है, EMRC, वहाँ से फिल्म मेकिंग का ग्रेजुएशन होता है, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसका एंट्रेंस टेस्ट और ये सब. सो मैंने वो क्रैक किया एंड आई गॉट एडमिशन इन EMRC. सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम फिल्म मेकिंग कोर्स, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि घर वालों का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि घर वाले सपोर्टिव हो तो इस फील्ड में आने के लिए एक यू नो 60% मोटिवेशन तो वैसे ही मिल जाता है अगर घर वाले सपोर्टिव हैं. तो मुझे मेरे घर वाले सपोर्टिव थे, और ग्रेजुएशन भी हालांकि मेरा इसी में ही हुआ है, इस फील्ड में, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो उसके बाद मैं मुंबई आया और घर वाले सपोर्टिव थे, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हियर, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं मिलता बहुत जल्दी, बहुत इजीली नहीं मिलता, बहुत जल्दी नहीं मिलता. फेवरेट कैरेक्टर इन अ प्ले, आई कैन से आई हैव डन आई गेस मोर देन 70-80 प्लेस टिल नाउ, और उसके मल्टीपल शोज. आई थिंक आई हैव डन अ प्ले टिकट टू हेवन, इट्स सलीम शाह सर के साथ. सलीम शाह सर, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिएटर आर्टिस्ट एंड मूवी एक्टर. तो उनके साथ मैं दिल्ली में शोज़ करता था, टिकट टू हेवन, एंड उसमें मैं और सलीम शाह लाइक ऑलमोस्ट लीड में ही थे. एंड वो इंग्लिश प्ले था, और वो मेरी लाइफ का पहला इंग्लिश प्ले था जिसमें मैंने वन ऑफ द लीड ही किया है. मैं और सलीम सर ही थे स्टेज पे ऑलमोस्ट पूरे टाइम. तो सलीम सर ने मुझे इतने लेयर्स में समझाया उस कैरेक्टर के बारे में, इतनी प्रैक्टिसेस हुई हैं. एंड आफ्टर दैट रिसेंटली मेरा एक प्ले चल रहा था मुंबई में, नंगी आवाज़ें, ओरिजिनली रिटन बाय मंटो एंड अडप्ट किया था ओम थिएटर ग्रुप ने. तो उसमें कैरेक्टर था गामा. सो गामा बहुत अच्छा एक यू नो ऑलवेज ही इज़ हाई, मतलब वो बहुत नशे में रहता है हमेशा ज़्यादातर, और उसका एक छोटा भाई है भोलू. तो वो भोलू उससे बार बार अपनी चीज़ें शेयर करता है, और वो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता है. तो उसकी भी बहुत सारी लेयर्स थी, एंड वो प्ले बहुत पुराना है, एडॉप्शन बहुत अच्छा किया है. और वो प्ले के बहुत सारे शोज़ हुए मुंबई में नंगी आवाज़ों के. उस मेरे कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर को, एंड वो प्ले भी बहुत अच्छा एक हिट था प्ले, नंगी आवाज़ें. एंड भोलू ऑल्सो, एंड भोलू के बड़े भैया, ओहो ओह क्या कैरेक्टर पकड़ा हुआ था, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. भोलू के भैया, ही स्टैंडिंग राइट देयर, आई वांट टू गो एंड टॉक टू हिम, सो ही वाज ऑसम. आई लव्ड योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. क्या आपने कैरेक्टर पकड़ा था, बहुत ही. So he is my favorite. He is the performer of the day. But Bolu and उसका जो भाई है, तो जो भाई भाई के punchlines, मतलब उस पे हर बार पे बहुत मजा आया. He is so indulgent with the character. किसी भी जगह पर, मतलब even if somebody else is delivering its dialogue, you can see that person and enjoy that person. This character was special. He was always into it. Always. कहीं कभी उन्होंने miss नहीं किया उसको. Serials. I have done few serials. एज ए कंटिन्यूटी रोल में आई हैव डन फ्यू सीरियल्स लाइक भाग्य लक्ष्मी, किस्मत कनेक्शन, एंड तुम साथ हो जब अपने, एंड फिल्म्स आई हैव डन धर्म संकट में, उसमें एक बहुत छोटा सा रोल था मेरा नसीर सर के साथ. सो धर्म संकट में, अच्छा आई हैव डन 4 to 5 फिल्म्स एंड ऑल आर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो एक धर्म संकट में मैंने की थी, जो बॉलीवुड फिल्म है नसीर सर की, नसीर सर के साथ मेरा रोल था, बहुत छोटा सा रोल था, बट उसमें भी कॉमेडी रोल था. तो बहुत
अप्रिशिएशन मिला मुझे. आज तक लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं उस फिल्म में कि अरे देखा तुझको देखा. मेरी शादी को 8 साल हो गए, 8 साल, लेकिन अभी तक पप्पा पप्पा कहने वाला नहीं हुआ. लेकिन प्लीज स्वामी जी मेरी दुविधा दूर करें. आज से तुम्हारी चिंता हमारी चिंता है, तुम निश्चिंत हो जाओ. हाँ स्वामी जी, हाँ. अच्छा, मेरी बीवी कौन से? मेरी बीवी के पैर भारी हो गए, मेरी बीवी के पैर भारी हो गए, वो पप्पा बन गए. स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की. पप्पा वाज सैटेलाइट. देन आई हैव डन अ मराठी फिल्म कैरी ऑन देशपांडे, तो उसमें भी बहुत छोटा रोल था मेरा, बट वो भी बहुत अच्छी थी, एक्सपीरियंस वाइज भी अच्छा था. उसके बाद आई हैव डन रिसेंटली आई हैव डन अ तेलुगु फिल्म इन 2018 आई गेस, बट इट्स नॉट रिलीज्ड येट. उसमें वन ऑफ द लीड हूँ एंड होप सो कि वो जल्दी रिलीज हो. अभी लॉकडाउन के कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है अब चीज़ों में, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म ऑल्सो. एंड रिसेंटली आई एम वर्किंग बॉलीवुड फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें अजय देवगन सर, संजय दत्त, एम ए विक ये लोग हैं, तो उसमें भी मैं एक पार्ट हूँ उस फिल्म का. एंड इंटरनेशनल फिल्म, सो लाइक हाँ आई हैव डन अ हॉलीवुड फिल्म कॉल्ड ब्लैक ऑगस्ट. एंड ब्लैक ऑगस्ट की स्टोरी ये थी कि उस फिल्म की कास्टिंग चल रही थी और मुझे फेसबुक पे कहीं से मेरे ही किसी एक फ्रेंड का पोस्ट उसने मुझे सेंड किया. एंड मैंने फिर वो उस पोस्ट पे फ़ोटोज़ वोटोज़ मेल आईडी पे फ़ोटोज़ भेजे एंड डायरेक्टर ने मुझसे फेसबुक पे ही चैटिंग शुरू की, सब किया. देन ही सेंड मी अ स्मॉल सीन कि इसको आप इनेक्ट करके एज एन ऑडिशन वाइज आप भेजो. एंड उस टाइम पे मैंने ऑडिशन करके वो सीन शूट करके भेजा एंड ही लाइक द लॉट. सो देन ही सेंड मी द होल स्क्रिप्ट एंड ही सेड यू आर द लीड एंड यू सिलेक्टेड फॉर द फिल्म. सो आई वाज लाइक कि वाओ अच्छा है, बैठे बिठाए ऑनलाइन ऑडिशन पे ही मिल गया रोल. एंड फिर बस उस पर रिहर्सल होती रही. जितनी भी डाउट्स थे, डायरेक्टर इज़ फ्रॉम कैनेडा एंड हिज नेम इज़ विलियम स्ट्यूवर्ट. सो हमारा मिलना पॉसिबल था नहीं इस प्री प्रोडक्शन टाइम में, तो हमारे जितनी भी मीटिंग्स, मेरे जो भी डाउट होते थे स्क्रिप्ट को लेके, करेक्टर को लेके, उनके जो भी ब्रीफिंग होती थी वो सब हम स्काइप पे करते थे. एंड दैट फिल्म आई हैव डन इन 2013, या सो 13 में ये फिल्म थी. एंड देन ही केम इंडिया फॉर शूट दिस फिल्म एंड वी हैव शॉट दिस फिल्म इन पुणे एंड लवासा साइड. तो दैट फिल्म नॉमिनेटेड इन मोर देन आई गेस 12 to 15 इंटरनेशनल एंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल, नॉमिनेट एंड गॉट अवार्ड्स ऑल्सो. बट अनफॉर्चुनेटली दैट फिल्म नॉट रिलीज्ड इन इंडिया, क्योंकि कोई स्टार नहीं था उस फिल्म में एंड वी ऑल आर फ्रेश फेसेस. लाइक जो मेरे अपोजिट्स दो लड़कियाँ थी वो भी फ्रेशर थी, मैं भी फ्रेशर था. एज ए डी ओ पी मैंने शाहरुख सर के साथ शूट किया था लक्स गोल्डन रोज अवार्ड प्रोमो में, एंड लक्स का एक स्पेशल एड निकला था फॉर गोल्डन पेंडेंट का. तो उसमें शाहरुख सर थे, देन करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर एंड शर्मिला टैगोर जी, ये सारे बिग कास्टिंग नो लेजेंड्स, ये सब थे वहाँ पे. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक शाहरुख खान इज़ बाई डिफ़ॉल्ट यू नो फेवरेट्स फॉर एवरी वन. मतलब मुझे लगता है कि बचपन से ही कि इंडियन का शाहरुख खान सर जो है वो सबका यू नो एक फेवरेट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आते हैं कि आप किसी और को पसंद करो लेकिन शाहरुख आपको एकदम बचपन से हर किसी को पसंद हो गई.
तो आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान. सो आई जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू. सो शाहरुख सर के साथ मुझे ये सीखने को मिला, सेट पे उनका एटीट्यूड इट्स लाइक वाटर. वो ये आपको लगेगा ही नहीं कि आप यू नो मेगा स्टार एक लेजेंड के साथ काम कर रहे हैं. ही इज़ रेडी टू गिव यू लॉट्स ऑफ टेक. आप कितने टेक्स बोलो, आप 2, 4, 6, 10, आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डायरेक्टर जब तक सेटिस्फाइड नहीं, इवन एडी सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक वो रीटेक्स देने को रेडी होते हैं हमेशा उसी पैशन से. सो रिसेंटली मैंने एक तेलुगु फिल्म और साइन की थी एज एन एक्टर, और एक वेब सीरीज साइन की थी वो भी एज एक्टर लीड में, एंड भुज भी एक उसमें से एक और एक प्रोजेक्ट कर रहा था मैं, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म, उसका भी हमारा एक शेड्यूल था. दो शेड्यूल हो चुके थे और हमारा एक शेड्यूल बचा है. तो हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स सी अब कब ओपन होता है. इस टाइम पर आई एम वॉचिंग लॉट्स ऑफ मूवीज, वेब सीरीज and reading books and cooking, lots of cooking. तो बहुत मज़ा आ रहा है ना. एक फिल्म देखते हो आप, एक वेब सीरीज़ कुछ भी अगर आप देखते हो, तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से उसको utilize कर रहा हूँ. और I think आप सबको भी, एक creative आदमी को अपना lockdown अपने आप को ही पहचानने में use करना चाहिए, क्योंकि यू नो यही एक टाइम है अभी. आप ना, आपके पास काम है ना कोई देने वाला है अभी आपको काम, ना आप किसी के पास जा सकते हो काम मांगने. तो यूज़ दिस टाइम एज एन यू नो टू इम्प्रूव योर टैलेंट, योर स्किल्स,